गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। बताना है इसमें मूल शब्द में प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय 5 भेद हैं इसके 6 हैं। कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? 28। ये इतना याद रखना। तो देखो, अशुद्ध कौन सा? लघु में आ जोड़ता है, लघुधन अ लाघव। लघु में क्या जोड़ता है? अ। आंसर क्या आ जाएगा? ए। बा नहीं जोड़ेगा, बा मत सोच लेना, आ जोड़ता है, लघुधन अ लाघव। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, इसमें से बताना निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। सर्वनाम के भेद याद रखो पहले तो, कितने? 6। पुरुष निश्चय अनिश्चय, संबंध प्रश्न निज। सर्वनाम की संख्या याद रखो कितनी है? 11। निजवाचक होता है खुद, अपने आप, स्वयं। मेरा क्या है? ये नहीं है। आंसर हो गया बी। ये व्यक्तिवाचक में आएगा। किसमें आएगा? पुरुषवाचक। समझो क्या आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम है मेरा। आंसर है बी, निजवाचक नहीं, बाकी सब है। नेक्स्ट, विशेषण की उत्तरावस्था का उदाहरण है। विशेषण की 3 अवस्था होती है, कौन कौन सी होती है? मूलावस्था, उत्तम उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। आपका अगर सबसे अच्छा, ये क्या हो गया? उत्तमावस्था। ठीक है, राम मधुर गीत गाता है, ये क्या हो गया? मूलावस्था। सोहन का घर छोटा है, मूलावस्था। सोहन का घर मोहन के घर से बड़ा है, दो लोगों में कंपेयर हो रहा है, तो ये हो गया उत्तरावस्था। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इसमें पूर्वकालिक क्रिया किसमें नहीं है? देखो, उठकर, नहाकर, जोतने के बाद, ये सब क्या है? पूर्वकालिक। सुमित उठता है फिर सो जाता है, इसमें नहीं है कोई। आंसर है सी। इसमें क्या मिलेगा आपको? 90% आपको कर मिलता है इसमें। आंसर है सी। नेक्स्ट, आसन भूतकाल का उदाहरण बताना है। आसन भूतकाल में क्या आता है? वह अभी अभी आया, ये क्या हो गया? भूतकाल। और है जोड़ दिया तो आसन। अब कहो यहाँ पे भी तो है, मगर रहे हैं, खेल रहे हैं, आ रहे हैं। आज हम आज शाम को आपके यहाँ आ रहे हैं, ये तो फ्यूचर की बात होगी ना, भविष्य काल है इसमें, तो आंसर होगा बी। ठीक है, रहा था, ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। होगा, होगी, होता तो हो जाता संदिग्ध। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, अपादन कारक का उदाहरण कौन सा नहीं, कौन सा है? इतना जोर से किसने खांसा? अपादान कारक का उदाहरण बताना है। इसका भाई बस से आया, बस से क्या है? करण हो गया। और माँ से झगड़ा किया, तो ये भी क्या है? माँ से, जोर से, ये क्या है? करण। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है, रेखा जन्म से अंधी है। कभी भी जो चीज़ जन्म से हो तो वहाँ क्या आता है? अपादान कारक। कहीं पे भी जो आपको घृणा हो तो क्या होता है? अपादान। कहीं आपको कंपेयर कर रहा हो तो क्या होता है? अपादान। कहीं आप किसी चीज़ से अलग हो रहे हो, जैसे मोहन जयपुर से आगरा आया, तो वहाँ पे भी क्या आता है? अपादान। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, भाववाच्य का उदाहरण बताना। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, याद रखना। देखो ने आ गया, ये तो क्या होगा? कृतवाच्य। कभी भी ने आ जाए तुरंत तो कृतवाच्य होगा। ठीक है, इसमें क्या बताना? भाववाच्य। सुनीता आम खाती है, सुनीता सेब खाती है, राम आम खाता है, तो ये क्या हो गया? कृतवाच्य। किसके अकॉर्डिंग बदल रहा? राम के अकॉर्डिंग बदला। मैंने कहा सुनीता आम खाती है, ठीक है, सुनीता सेब खाती है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं बदला ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं बदला, और इसमें एक कर्म है, तो क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। खाना लेकर, खाना लड़के द्वारा खाया जाता है, इसमें खाना कर्म है। रमा से खड़ा नहीं हुआ जाता, इसमें कर्म नहीं है। आंसर है सी। देखो पहले ऐसे याद रखो, कन्फ्यूजन हो गया वो थोड़ा, मैं समझ सकता हूँ। भाववाच्य में ना कर्म नहीं मिलेगा, कर्म नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर कर्म है, यहाँ पर कर्म है, ठीक है। अब कहोगे सर इसमें भी तो कर्म नहीं है, मगर देखो बच्चा यहाँ पे ने दे रखा है, ने क्या आता है? ने हमेशा कृतवाच्य में ही आएगा, तो आंसर होगा सी। ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया किसके अकॉर्डिंग आती है? जैसे मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर आ गए, आ गया, आ गया बोला ना, आ गई तो नहीं बोला, तो हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग में होगा। अगर पता नहीं हो ना तो पुल्लिंग में लगाते हैं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होता है? नित्य बहुवचन कौन सा होता है बताओ? तो ये होता है क्रियाकलाप। प्राण, प्राण, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, ये क्या होते हैं? बहुवचन में आते हैं। देखो वर्षा तो द्रव्यवाचक है, तो एक वचन में ही आएगी। घी एक वचन, ये एक वचन। आंसर क्या हो जाएगा? बी, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से विधेयार्थक वाक्य भाव कौन सा प्रयोग हुआ है? देखो लड़की क्या खाती है, क्या प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, लड़की खाना खाती है, ये हो गया विधेय। लड़की तुम खाना खाओ, ये क्या हो गया? विस्मयादिबोधक। ये दे रखा है ना लड़की, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसलिए। ठीक है, यह लड़की खा न खा लेती तो सो जाती, ये क्या हो गया? संकेत। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, इसमें बताना है अर्धविराम कौन सा है? तो विराम चिन्ह की संख्या कितनी? 20। एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्पविराम का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, याद रखना। देखो लोप सूचक और एक होता है लघु,
ऐसे याद रखो, ये है पाद बिंदु, एक ये याद रख लिया, और इसे कहते हैं अपूर्ण, अपूर्ण विराम, ठीक है। ये क्या है? अर्ध विराम, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? ए। ये क्या है? त्रुटिबोधक। ये क्या है? उद्धरण या अवतरण, दो तरीके का होता है, सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड, ठीक है, याद रखना। तो एक चीज़ याद रखना, लोप सूचक, अब छोड़ो दिमाग से उतर रहा है वो, बाद में बता दूंगा। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट देखो, अभिज्ञ और अभिज्ञ, अभिज्ञ क्या क्या होता है? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब जो न जानता हो, तो अभिज्ञ का मतलब क्या होगा? जानकार, इस तरीके से निकालता हूँ, जानकार इसी में बस, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो, तो सद्य प्रसूता, जो अभी अभी नहाई हो, तो सद्य स्नाता, सद्य स्नात क्या? जो अभी अभी नहाया हो। सद्य जात, जो अभी अभी क्या हो? पैदा हुआ हो, ठीक है। आंसर क्या है इसका? ये। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो चाट क्या है? देसा शब्द। लीची क्या है? चीनी। लीची चीनी, ये कहाँ के? चाइनीज भाषा के, चाइना के, ठीक है। जलेबी क्या है? फारसी भाषा का है। मसाले का अरबों रुपए का व्यापार होता था, तो मसाला क्या है? अरबी। शहद क्या है? अरबी, याद रखना। आंसर क्या है? बी। लोटा पगड़ी, ये भी याद रख लेना, ये भी क्या है? देसा शब्द है, लोटा पगड़ी झोंपड़ी। नेक्स्ट, कान का कच्चा होना मुहावरा क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। इनके पीछे क्या आता है? ना, लक्षणा शब्द शक्ति, वाक्यांश, ये सब याद रखना। अब कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, आंसर है बी। नेक्स्ट, इलायची बांटना, इलायची बांटने का मतलब होता है दावत देना, जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तो आप इलायची बांटना सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द और प्रत्यय का विग्रह सही नहीं है? तो देखो कौन सा सही नहीं है, तो सफ नहीं होता, साफ दनाई, सफाई, साफ दनाई, आंसर है ए, ए में दिक्कत है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो देखो पुस्तक जाति है, ठीक है, कमल जाति है, और अष्टाध्यायी, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी ना, व्यक्तिवाचक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार की होती है, व्यक्ति, जाति, भाव। अर्थ के आधार पर पांच प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा प्रविशेषण कौन सा नहीं है? प्रविशेषण कौन सा नहीं है? वह काफ़ी मोटा भैंसा था, भैंसे की विशेषता क्या है? मोटा। मोटे की विशेषता क्या है? काफ़ी। तो ये तो है इसमें प्रविशेषण। देखो होशियार, आपका भाई कम होशियार है, क्या है? होशियार, होशियार तो हो गया विशेषण, कम हो गया क्या? प्रविशेषण, प्रविशेषण, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार, ईमानदारी क्या हो गई? विशेषण। बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, थकना क्या हो गया? क्रिया। फिर ज़्यादा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो आंसर होगा बी। बी गड़बड़ है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक मतलब होता है जब कर्ता खुद काम न करके और किसी से करवाता है। किसान खेत के सूखे फल, पेड़ कटवा चुका है, मतलब कटवा चुका है और किसी से कटवा चुका है ना, खुद ने नहीं काटे, आंसर है ए। नेक्स्ट, बारिश होती तो हम पिकनिक पर चलेंगे, बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे, तो इसमें क्या है बताओ? तो संकेत दे रहा है ना, संकेत है, क्या है? संकेत है। देखो यहाँ पे भी संकेत लिख रहा है और यहाँ पे भी संकेत लिख रहा है, तो एक ही होगी बात, ठीक है, याद रखना। रुको, बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे, छोड़ो इसे अभी, छोड़ दो इस वृत्ति को, इसमें डाउट है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पर्वत के नीचे की भूमि, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे कहते हैं उपत्यका, ये नीचे की, और एक है अपत्यका, अपत्यका या अधित्यका, अधित्यका, उपत्यका या अधित्यका, ये होती है कैसी? ऊपर की भूमि। नीचे की को कहते हैं उपत्यका, आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, वह अपने हाथों से लाचार है, देख रहे हो, हाथों से, अपने आप ही बोल गया मुंह से के से, हाथों लाचार है मतलब हाथों से लाचार है। करण कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग, और क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह, ठीक है। कितने हैं ये? आठ, याद रखना। आंसर क्या है? बी। अच्छा, संप्रदान में याद रखना, जो भी चीज़ आपको पसंद होती है ना, जैसे दही, खीर, लड्डू, ये इन सब में भी संप्रदान आता है। कभी आप किसी को नमस्कार करते हो ना, उस सेंस में भी क्या आता है? संप्रदान। कभी किसी को दान देते हो तो वहाँ पे भी क्या आता है? संप्रदान। नेक्स्ट, देखो भारत किस देश के साथ सूर्यकरण अभ्यास करेगा? तो ये करेगा नेपाल के साथ, आंसर क्या है? डी। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। अच्छा, यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, अगर किसी को कुछ पता हो तो बता देना। नेक्स्ट, अभी देखो सारा भाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार किसको दिया है? तो ये दिया आनंद कुमार को, ये सुपर 30 चलाते हैं ना, ये वही आनंद कुमार है, याद रखना। नेक्स्ट है देखो, जैविक ईंटों से बना भारत का पहली इमारत कौन सी है? तो ये है हैदराबाद। इन्होंने ही क्या
कोविड की टेस्टिंग किट भी लॉन्च की थी कुछ टाइम पहले, याद रखना ठीक है। और अच्छा, आईआईटी रोपड़ ने क्या एक वो बनाया, प्योरीफायर। क्या बनाया? प्योरीफायर। क्या बनाया था? प्योरीफायर, जो घर में लगा लो और उसमें एक पेड़ है और वो आपको स्वच्छ हवा देगा। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, अच्छा आईआईटी मद्रास कहाँ पे, तमिलनाडु में है या नहीं है ये बताना आप बस। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह, देखो खाना खाओगे अच्छा ना तो बॉडी बन जाएगी। खाना कैसा? अभी जितना खा रहे हो ना उससे डबल खाओ, तो 6 से 12, 6 का 12 क्या हो गया? डबल। आंसर है डी, ऐसे याद हो। ये क्या बनाया था? जल सप्ताह बनाया था 23 से। नेक्स्ट, अभी देखो किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण दिया, तो ये दिया चंडीगढ़ को। आंसर है सबसे पहला 5 स्टार किसको मिला था? दिल्ली को। नेक्स्ट, अभी देखो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर और ब्लू स्काई, ब्लू कैसे कितने दिन होना चाहिए? 7 दिन आपको क्लीन एयर चाहिए ना, तो 7 सितंबर। 7 अगस्त याद रखना जेवलिन डे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा ये, ठीक है। और हथकरघा दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो भारतीय ऊर्जा सौर निगम का प्रबंधक निदेशक किसे मनाएगा? देखो सौर से सा और सौर से सुमन, याद रखना। अभी देखो धृति बनर्जी किसकी बनाई थी? ZSI की हेड बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट, अभी देखो प्लास्टिक समझौता करने वाला एशियाई देश कौन सा बनेगा, ये आज का प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग देना। इसके साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।